नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज डिग्गी। आज 4 मई है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का पहला चरण है। आज 37 जिलों में चुनाव हैं। कम से कम लगभग 3 करोड़ के आसपास मतदाता चुनाव करेंगे। और अभी फिलहाल मैं मौजूद हूं, ये रतनलाल फूल कटोरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मथुरा में। यहाँ पर पोलिंग बूथ बना हुआ है। ये मैम है हमारे साथ, वोट डाल के आई हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें अपना मेयर और पार्षद चुनने का पूरा अधिकार हमें मिला है, तो हमें वोट डाल के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चीज़ें ध्यान में रख के वोट दिया है, मतलब क्या चाहिए आने वाले मेयर से जिसको वोट दिया है? मथुरा में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि बंदरों की सबसे ज़्यादा समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, सड़कों की समस्या है। उस सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपने मेयर और पार्षद के लिए वोट दिया है कि वो आने वाले समय में, हमें उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो ये सब काम को कराएंगे और हम सब लोगों की मदद करेंगे और हर वक्त वो हमारे लिए साथ हैं। पहले हमारे यहाँ बहुत ऐसा गुंडा राज चलता था, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थीं। अब योगी जी ने उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला है, तो हम लोग भी सुरक्षित हुए। ये भी बता दिया किसको वोट दिया है? नहीं, आपने ये भी बता दिया क्योंकि आपने बोल दिया ना। आप कैसा लग रहा है वोट डाल के? बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी कर्मचारी लगे हुए थे अंदर, पीठासीन थे, PO1 PO2 थे, बहुत ही सहयोगी, व्यवहार अच्छा था लोगों का, व्यवहार बहुत अच्छा था और बहुत ही सहयोगी और बहुत मृदुभाषी थे। सभी लोगों ने बड़ा सहयोग किया, अच्छा लगा अंदर देख करके। आपको लग रहा है पिछले 5 साल पहले मथुरा जो है नगर निगम बना था, थोड़ा विकास हुआ है पिछले 5 साल में? विकास हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, पर कुछ जगह जैसे अभी बाकलपुर में हम लोग रहते हैं तो कुछ और करने की ज़रूरत है। विकास हुआ है, मेन रोड अब आप देख रहे हैं, गोवर्धन रोड का काफ़ी विकास हुआ है, परंतु जो अंदर गली कूचे हैं इनमें थोड़ा सा विकास अगर और हो तो अच्छा है। और आशा यही करते हैं कि इस बार वोट दिया है तो विकास करेंगे, जिनको भी वोट दिया है हम लोगों ने वो विकास करेंगे और उन्नति की ओर ले जाएंगे इस क्षेत्र को भी। विकास की मांग है कहीं ना कहीं हर वोटर की। आप देख ही रहे हैं लगातार लोग यहाँ से वोट डाल के बाहर आ रहे हैं। और वोट डाल के आए हैं? हाँ जी, हैं? हाँ जी, वोट डाल के आए। कैसा लग रहा है वोट डाल के? पहले तो वोट डाल के बढ़िया लग रहा है सर। क्या चीज़ ध्यान में रख के वोट दिया है? क्या चीज़ ध्यान में रखिए वोट दिया, जिसको वोट दिया है पार्षद उसे क्या काम चाहते हो? पार्षद हम ये चाहते हैं नाली गंजरा और क्या ये सुविधा पानी वानी की है जो चाहते हैं। और अभी होती है परेशानी गली में? हाँ जी, परेशानी साहब की चेहरे साहब हमारे घर के सामने तो है, घोंट घोंट पानी भर रहा है, इंद्रपुरी कॉलोनी में एक है। तो आए नहीं थे प्रचार करने के लिए? प्रचार करने के लिए गए थे हमें गुलशन भाई, लोग पार्षद आए थे प्रचार करने। हाँ, गुलशन भाई आए थे। बोला उनको कि भैया देखो ये कितनी, बोला था, दिखाया था मैंने, दिखाया था। क्या बोला उन्होंने? वो जो कह रहे थे कि ठीक है ये ठीक हो जाएगा, नाली सांत्वना दी ठीक हो जाएगा। हाँ, तो आपने वोट दे दिया? वोट दे दिया। चलो ठीक है, इन्होंने वोट दे दिया है। अब कुछ महिला भी हैं। अम्मा दे दिया वोट आपने? दिखाओ निशान, दिखाओ ऐसे निशान दिखाओ। क्या किसको दिया है वोट ये तो बताओगे नहीं आप, ये बता दो क्या क्या चाहते हो, क्या सही हो? सड़क चाहते हैं और पानी चाहते हैं, कुछ भी नहीं है। पानी मिलता नहीं है, सही से मिलना चाहिए पानी। इसीलिए वोट दिया है। आपने भी दिया वोट? हाँ। क्या चाहिए पार्षद? यही सड़क बन जाए, पानी ना है वहाँ, इसलिए नहीं है। हाँ। सड़क भी नहीं है? सड़क बननी ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है ये सड़क। पहले वाले को वोट दिया था? पहले नहीं, मैं तो पहली बार दी है। पहली बार वोट दिया? और भी लोग आप वोट डालने जा रहे हो? हाँ। क्या चीज ध्यान में रख के डालने जा रहे हो वोट? हाँ, उन्हें मन करे उसको तो देखे आओ, क्या चाहिए पार्षद से जिसको वोट दे जा रहे हो? अरे कुछ चाहिए पार्षद तो साइन भी ना करे, अब यहाँ पार्षद तो देखेंगे जो क्या करेगा। साइन भी नहीं करता? साइन भी ना करे कोई कागज पे, अब देखेंगे, बोले भी ना तमीज से भगा और दे, अब देखेंगे हम। बदलने आ गए? बदलने आए। व्यवहार सही नहीं किया तो बदल दोगे? और क्या बदलेंगे? अभी रोड पानी ये सब ठीक है या चाहते हो? रोड पानी तो हमने करवाया, रोड पानी का पानी व्यवस्था ही नहीं है हमारे यहाँ। रोड तो बन गो। रोड बन गया? हाँ। नाली बन गया? और कहाँ है नाली? नाली ठीक नहीं है? हाँ ठीक ना, अब आप बनाई? अच्छा, और ना बनी भैया नाली हमारे वहाँ, पानी घर का घर में ही रुक जाए, बस थोड़ा सा कर रही है, घर का घर में ही रुक जाए पानी, नान कर सुविधा है। कितनी गंदगी पड़ी हुई है रोड पे, गंदगी से परेशान है, गंदगी से परेशान है, मच्छर खा रहे हैं, पानी भरा पड़ा है, अब भी देखो गली में जाके नहीं है। राशन भी ना मिल लो ना, रानियों कहने बड़ी बड़ी को राशन भी ना मिल लो। राशन भी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है, नाली की भी दिक्कत है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ इधर आ जाइए, साइड से आ जाइए। क्या नाम है आपका? प्रेम भाटिया। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, प्रेम भाटिया नाम है, इधर आ। देश के विकास के लिए वोट डालने जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, देश के ऐसे आ जाइए, ऐसे हो जाइए ऐसे। हाँ, वोट डालने जा रहे हैं। हाँ, देश के विकास के लिए
नगर निगम चुनाव है। हाँ, ये नगर निगम के साथ ही देश का विकास होगा। अच्छा, बिल्कुल मेरी ये सोच है। हाँ। नगर निगम में अगर विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा, बस मेरी ये सोच है। अभी जैसे 5 साल पहले मथुरा नगर निगम बना था। हाँ जी, तो आपको लगा विकास हुआ? बहुत विकास हुआ, बहुत। अभी तो जैसे 2 दिन पहले बारिश आई थी, पूरा मथुरा पानी पानी। कोई ऐसी बात नहीं, मैं एकदम सब कुछ नहीं होता। हाँ। समय लगता है, समय लगता है, समय लगता है। हाँ, हर चीज पे समय लगता है। देश के विकास के लिए वोट डालने जा रहा हूँ मैं। देश के विकास के लिए? हाँ, हो रहा है देश में विकास? बिल्कुल हो रहा है। महंगाई वगैरह तो कुछ भी नहीं, ये हमारी गलत सोच है, अभी महंगाई है, कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया। ये भी सब लोग कह रहे थे ये नहीं है, ये नहीं है। फिर नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई नहीं। नहीं, नहीं है, नाली भी नहीं है हमारी तरफ, नाली नहीं है ना, सड़क भी नहीं है, सड़क भी नहीं, पानी भर जा तो पानी भी ना है। इधर दिखाओ, इधर आओ। आप देख रहे हैं दादाजी विकास के लिए वोट डालने जा रहे हैं, और ये लोगों की सबकी शिकायत है कि नाली पानी की समस्याएं ज्यादा हैं कहीं ना कहीं। अम्मा जी आप जाइए वोट डालने जाइए। हाँ, इधर आइए, वोट डाल के आए। क्या नाम है? राजू। राजू नाम है। हाँ। क्या चीज देख के वोट दे के आए? तुलसी नगर कॉलोनी को तो ये कहूँ। अम्मा को निकलने दीजिए, आप जाइए पहले, आराम से बात करेंगे। हाँ। क्या कह रहे हैं? फोटो है, जो फोटो छप रहे हैं वो देख के डाल रही है, वोट वो देख के डाले। क्या समस्या को क्या है, मतलब क्या सही होता है? हमारे संग समस्या ही समस्या है। क्या बताओ? एक आध न रोड बन रहे, न नाली बन रही, न पानी आ रहा हो, न बुआ रहा हो। रोड बन तो रहा है, मतलब जहाँ रोड पे रह रहे हैं हम, जो रह रहे हैं वो नहीं बन रहा। हाँ, तो वो बताओ, गली वली रोड? हाँ, गली रोड नहीं बन रहे, आउट टैक्स, बाटर टैक्स, सब रे टैक्स लगा रखे हैं, और काम कुछ हो नहीं रहा है। टैक्स कौन से लगा रखे? आउट टैक्स, बाटर टैक्स, जे टैक्स, वो टैक्स। टैक्स भरते हो? और क्या, नगर निगम में आती है। तो किसको परेशान हो ना, चेंज कर लो, वोट का अधिकार है आपके पास, चेंज कर तो दही। कर दिया। हाँ, क्या कह रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गुजर। हाँ, क्या कह रहे हो? बढ़िया, बीजेपी वोट डाल का है, काम बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत ना, हर जगह पार जा रही है, पार जा रही है, बीजेपी पार जाएगी। 4 वोट करके आया हूँ तो, अपनी दो अपनी दो फर्जी, दो फर्जी कर गया। कैमरे पे कह रहे हो? हकीकत कह रहा हूँ, उनको बात है, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना, पुलिस के सामने और का नहीं, दिक्कत हो जाएगी। 2 वोट तो गिरी है अपनी बीजेपी को, 2 ये निशान दिखाओ, निशान दिया था। ए ना, पहुंच रहा। अच्छा, क्या बीजेपी उड़ा रही है ये कई वोट? लोग तो बड़े परेशान है बीजेपी से। कोई परेशान ना है, वैसे ही मौज ले रहे हैं सब। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं सब गलत बता रहे हैं, कोई ना पानी, उन्हें अंदर क्यों दिख रही है समस्या, बाहर की ना दिख रही, बाहर कितनी तरक्की हो रही है, बाहर कौन सी तरक्की हो रही है? हर जगह रोड बनने, हर जगह तरक्की हो रही है, पढ़ाई लिखाई हर जगह। उत्तर प्रदेश कहते हैं गड्ढे मुक्त रोडें बनेंगी, अभी तक तो बनी नहीं है। हर में काम चल रहा है, हर रोड में काम चल रहा है, हर जगह काम चल रहा है। क्या कह रही है? वृंदावन में इतना चौड़ा रोड हो गया, वो ऐसे ही हो गया, ये हाईवे पे आए दिन एक्सीडेंट होते थे, अब कहाँ इतनी समस्या बताइए, जहाँ जिधर जाना होता। कल ही मैं पढ़ रहा था 1,00,000 एक्सीडेंट होते हैं हर साल, रोड एक्सीडेंट। अब भैया, अब दुनिया अपने आप आंधी धांधी चला रही है, अपने आप मरे वाको कोई लाज ना है। अब गवर्नमेंट तो खूब सुविधा दे रही है। हाँ जी, खूब सुविधा दे रही है, और बीजेपी हमेशा बीजेपी रहेगी। अभी तो डाल दिया है। हाँ जी, सौगंध खा के आई है, बीजेपी ही रहेगी। जो कीचड़ में खिलता है ना, वही कमल का फूल है, और वही जिंदाबाद रहे। कमल का फूल खिला दिया है इन्होंने तो। आपने भी कमल भाई, आप भी दिया है? यार, हमारी तो वोट ही नहीं आई। वोट ही नहीं आई? वोट ही नहीं, लिस्ट में नाम ही ना दिख रहा है, वोटर कार्ड है हमारे पास में, और वोट ही नहीं आई हमारी। वोटर नहीं आई? हाँ, मोदी जी को बोलो वोट नहीं आई। मोदी जी को बोल रहे हैं तो वोट नहीं आई हमारी। वोट नहीं आई? हाँ, तो वो वोट नहीं दे पाओगे। अब देखें क्या, घर में और सबकी आई है? किसी की नहीं आई, किसी पूरी। हाँ, पूरी हमारी कॉलोनी की वोट नहीं है। कितने लोगों की? करीब ऐसे होंगे 250-300 वोट होंगे। 250-300 लोगों की वोट ही नहीं है? नहीं, 250-300 लोगों की वोट ही नहीं आई है। आप देख रहे हैं कि लोगों को कौन सा, रामकृष्ण नगर की पूरी वोट नहीं है, गोलापुर डिस्ट्रिक्ट वोट। कहीं ना कहीं वोट ना आने की समस्या भी है, और अलग अलग देखा आपने, सब वोट डाल के आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ ने अपने अपनी चीज़ों को देखते हुए वोट डाला है, कुछ अभी डाल रहे हैं। खैर, ये पहला चरण है, दूसरे चरण में 7 मई को होंगे और 13 मई को परिणाम आएंगे, तो उसी दिन पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, मथुरा।